हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आई क्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एमपी व्यापम के पुराने क्वेश्चन पेपर आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। प्लीज़, आपसे इससे पहले गुजारिश है कि यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। और आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। फ्रेंड, एमपी व्यापम के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर एमपीपीईवी टाइप करना है, जो ऊपर लिखा है एमपीपीईवी टाइप करना है। उसके बाद एमपीपीईवी टाइप करने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या है, pev.mp.gov.in, यानी कि पीईवी, फ्रेंड ध्यान से इसको लिख लीजिए, pev.mp.gov.in पर आपको क्लिक करना है। जो भी वेबसाइट खोलेंगे उसमें से आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। pev.mp.gov.in पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, मॉडल आंसर की या फाइनल आंसर की ऑप्शन आएगा एक, फ्रेंड लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में ऑप्शन आएगा क्या, मॉडल आंसर की और फाइनल आंसर की, उस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फ्रेंड उसमें एग्जाम पूछेगा, पुलिस का आपको करना है कि एसआई का करना है या फिर पटवारी का करना है, कौन सा करना है। फ्रेंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें दो देगा, फाइनल आंसर की, मॉडल आंसर की। तो फ्रेंड्स, उसमें आप फाइनल आंसर की पे क्लिक करें, क्योंकि मॉडल आंसर की में कुछ क्वेश्चन गलत रहते हैं। उस देखिए फ्रेंड, एमपी व्यापम के एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर साथ में दिए रहते हैं। तो इस प्रकार से आप फ्रेंड्स, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।